नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 24 सितंबर 2022 का राशिफल लेकर आपके समक्ष हूं। सूर्योदय होगा 6:10 पर, सूर्यास्त होगा 6:18 पर। चंद्र राशि है सिंह, तिथि है कृष्ण पक्ष, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी वार शनिवार, योग साध्य अभिजीत मुहूर्त 11:49 AM से लेकर 12:37 PM तक, राहु काल है 9:12 AM से लेकर 10:42 AM तक। अब बात करते हैं आपकी राशि की, मेष राशि। संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। सट्टेबाजी, शेयर मार्केट या लॉटरी से थोड़ा दूर रहिएगा आप। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में व्यस्तता बढ़ेगी, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, प्रेमी प्रेमिका से मिलने का अवसर मिल सकता है, व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, जीवन साथी से संबंध उत्तम रहेंगे। आप ज्यादा रोमांच और दीवानगी की ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। आज काफी रोमांटिक मूड में आप रहने वाले हैं। आपकी भावनाओं पर काबू रखें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पैसों को पानी की तरीके से मत बहाइएगा। आपकी आर्थिक योजनाओं में रुकावट आ सकती है। जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करिएगा। घर के कामों में उनका हाथ बटाएंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा, प्यार बढ़ेगा। अपने प्रिय की बाहों में आज आपको आराम मिलेगा। आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आप जिस भी काम को विचार पूर्वक करेंगे उस पर सफलता मिलेगी। शादीशुदा जिंदगी में तमाम मुश्किलों के बाद फिर से रिश्तों में गर्माहट देखने को मिलेगी। अच्छा दिन है। वृषभ राशि, आज का दिन प्रसन्नतादायक रहेगा। आप अपने बच्चों को की तरफ से खुश रहेंगे। प्रेम संबंध में सफलता रहेगी। कोई नया प्रेम संबंध बन सकता है। किसी से आंखें चार हो सकती है। आप अपना कार्य ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और निष्ठा पूर्वक करेंगे। आज के दिन जुए, सट्टेबाजी, इन सब चीजों से दूर रहिएगा। आज का दिन सौभाग्य का है, परिवार की खुशियां पाने का है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक रहेगी। आप अपनी अच्छी खासी ऊर्जा लगाएंगे और आगे तरक्की पाते चले जाएंगे। व्यापार या नौकरी जो भी कुछ करते हैं उनके लिए वक्त बेहतरीन है। आज आपका दिन शानदार है। आप अगर व्यापारी हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आप आने वाले वक्त में अच्छे सौदे कर सकते हैं। आपकी सारी चिंताएं धीमे धीमे समाप्त होंगी। अगर आपके ऊपर कोई पुलिस का केस वगैरह चल रहा है, लड़ाई झगड़ा वाला कोई केस चल रहा है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बातें सुलझ सकती है। स्टूडेंट्स आज अपना काम अच्छे से करेंगे, छात्र छात्राएं काम अच्छे से करेंगे। सेहत के मामले में दिन बेहतरीन है। सोचे हुए काम मन मुताबिक तरीके से पूरे हो सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। मिथुन राशि, आज आपका दिन बेहद प्रसन्नता भरा, उल्लास भरा, आपसी तालमेल भरा, श्रेष्ठ दिन रहेगा। आपको गुप्त रास्तों से धन की प्राप्ति होगी। यदि आप घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो कोई लाभ का सौदा हो सकता है। आपको सभी क्षेत्रों में जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। बच्चे आज थोड़े से ज्यादा चंचल रहेंगे और माँ बाप से आज उनको किसी बात को लेकर शिकायत हो सकती है। आज पढ़ाई लिखाई करने के मामले में आपको अधिक ध्यान देनी होगी। स्टूडेंट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध में आज आप अपने मूड को सही रखिएगा। बार बार अपने जीवन साथी से किसी बात की शिकायत मत करिएगा। तालमेल आपका बना हुआ है, उसे बना के रखिएगा। और शाम को मंदिर वगैरह भी जा सकते हैं। आपको किसी व्यक्ति की उचित सलाह से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। धर्म कर्म वाले कामों में आप लगे रहेंगे। कर्क राशि, आज कड़ी मेहनत करने का दिन होगा। जिस भी काम में हाथ डालेंगे, मेहनत पहले सफलता बाद में। आपकी हिम्मत और अथक प्रयासों से आपको सफलता मिलती चली जाएगी। आपके छोटे भाई बहन से रिश्ते आपके बढ़िया होंगे। आपके बच्चे आपको शुभ समाचार सुनाएंगे। प्रेमी प्रेमिका का वक्त बढ़िया है। किसी नए व्यापार को शुरू करने के बारे में अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं। दोस्त यारों से आज आपका परिचय हो सकता है। किसी नए दोस्त से बातचीत हो सकती है। आप गहरी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। अटके हुए मामले में धन खर्च हो सकता है। खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे लेकिन काम भी बनेंगे। सेमिनार वगैरह में या किसी आयोजन वगैरह में आज आप जा सकते हैं। आखिरी वक्त पर आपकी यात्राएं टल भी सकती हैं। वैवाहिक जीवन में आज थोड़ा मजा आने वाला है, लेकिन बहुत सोच समझ कर अपने जीवन साथी से शब्दों का चयन करिएगा। सिंह राशि, आज कड़ी मेहनत करने का दिन है। आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करेंगे। आपके सपने पूरे होंगे। भाई बहन से रिश्ते अच्छे हैं। आज आपको विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पुराने मित्रों से संपर्क होगा। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। बोलचाल में अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, गपशप का प्रयोग ना करें। आज मित्रों के सहयोग से आपके कार्य पूरे होंगे। बिल्डर्स के लिए आज अच्छा दिन है। किसी भी कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। और छात्रों के रूटीन लाइफ में भी बदलाव लाने की कोशिश करिए। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। काम के सिलसिले में कई लोगों से मुलाकात आज हो सकती है।
किसी सामाजिक समारोह में भी मान सम्मान मिल सकता है, गणेश जी की कृपा पर बरस सकती है। बात करेंगे कन्या राशि की, आज एक अच्छा दिन है, विद्यार्थी पूरी एकाग्रचित होकर पढ़ाई लिखाई करेंगे, व्यापारी लोगों का व्यापार बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खूब धन कमाएंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे और आप अगर आप अविवाहित हैं तो कहीं से शादी के रिश्ते भी आ सकते हैं। जीवन साथी से आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। आज आपको थोड़ी सी सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है जो आपके स्टूडेंट्स हैं आपकी राशि की कन्या राशि के, वो लोग ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे। तुला राशि, आज आपका उत्साह वर्धन किया जा सकता है, आपके सही कामों को भी गलत ठहराया जा सकता है, आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी रहेगी, आपका खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है, खान पान के मामले में सावधान रहे। जीवन साथी से तू मैं हो सकती है, बच्चे बेकार में अपना वक्त खराब करेंगे, थोड़े खर्चे बच्चों के बढ़ सकते हैं, आज आप जो सोच रहे थे वैसा नहीं होगा। नकारात्मक रवैये के चलते आप प्रगति नहीं पा पाएंगे, सोच को जितना सात्विक रखेंगे उतनी अच्छी सफलता मिलेगी। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका प्यार आज आपसे दूर जा सकता है, आज आप कुछ ऑनलाइन खरीदारी करने में पैसे को बर्बाद कर सकते हैं। अपने जीवन साथी से प्यार मोहब्बत बना के रखिएगा तो दिन अच्छा बीतेगा। वृश्चिक राशि, आज आप अधिक धन कमाएंगे, आपके सपने पूरे होंगे, आज आप जीवन साथी के साथ रोमांटिक मूड में होंगे, आप अपने बड़े भाई बहन का साथ और सहयोग प्राप्त करेंगे, फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, आज आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा, आज का दिन बढ़िया रहेगा। जीवन साथी और बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं, समय सुकून भरा होगा, घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, आप कोई नया सामान इत्यादि खरीद सकते हैं, छात्रों को आज अचानक से सरप्राइज मिल सकता है, करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है, संतान की ओर से शुभ समाचार माँ बाप को आज जरूर मिलेंगे। धनु राशि, आपके उच्च अधिकारियों से आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, व्यापारी वर्ग का व्यापार बढ़ेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं रहेगी, जीवन साथी से नाराजगी रहेगी, बच्चों के व्यवहार से भी आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने आमदनी के रास्तों को बढ़ाने की कोशिश करिए। जब भी कोई फैसला हड़बड़ाहट में लेते हैं, जल्दबाजी में लेते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर पाते हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी काम मत करिएगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, नौकरी में तरक्की के अवसर मिलते रहेंगे, आपका विनम्र स्वभाव सामने वाले का दिल जीत लेगा, सामाजिक रूप से आपको बहुत ख्याति मिलने वाली है और बहुत अच्छा समय आप बिताने वाले हैं, सौभाग्यकारी समय आपके समक्ष देखने को जरूर मिलेगा। मकर राशि, आज आपको सफलता मिलेगी, संतान उन्नतिशील होगी, प्रगतिशील होगी, विद्यार्थी पूरी एकाग्रता से आत्मविश्वास से अध्ययन कार्य में लगे रहेंगे, आपके संबंध मधुर होंगे, प्रेमी प्रेम का मिलने का मौका मिलेगा, यह समय अच्छा है, कुछ अतिरिक्त आमदनी हो सकती है, कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में छोटी बड़ी सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप प्रसन्नचित रहेंगे। मानसिक शांति के लिए आज आप दान पुण्य कर सकते हैं, आज आपके लक्ष्य बहुत ऊंचे होंगे, उन लक्ष्यों को पाने के लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, पुरस्कार वगैरह रिजल्ट वगैरह या कोई आपको कोई अचानक से धन लाभ हो सकता है, कम्युनिकेशन के चलते आपकी कोई समस्या खड़ी हो सकती है तो आप बातचीत में कोई कमी ना लेके आए, कम कम्युनिकेशन आपको परेशानी देगा, अच्छी तरीके से सामने वाले से बात करिए ताकि कोई गलतफहमी मन में ना रहे, सुनी सुनाई बातों में मत फंसिएगा, सोच समझकर थोड़ा सा खतरा अगर आप लेना चाहते हैं तो लें, लेकिन आज बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। बात करेंगे कुंभ राशि की, आप बहुत दिनों से रुके हुए धन को मान सम्मान को प्राप्त करवाएंगे, कुछ अतिरिक्त आमदनी के रास्ते बन रहे हैं, दिन अच्छा बीतेगा, जरूरतमंद लोगों की सहायता कर पाएंगे, गाड़ी वगैरह ठीक से चलाइएगा वरना कोई दुर्घटना हो सकती है, जल्दबाजी में फैसले मत लीजिएगा, बच्चों का प्यार मिलेगा आपको, कोई अचानक से सुखद समाचार भी मिल सकता है जिससे मन खुश होगा, आलस्य को त्यागना होगा, जीवन साथी से कीमती उपहार मिल सकता है, व्यवसाय बढ़ाने की सोच रहे हैं तो दिन ठीक रहेगा, शुभ मुहूर्त देखकर काम कर सकते हैं और धार्मिक कार्यों में की तरफ प्रस्थान किया जा सकता है। मीन राशि, आज परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, अविवाहित लोगों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और संतान पक्ष से आज आपको लाभ होने वाला है, आज आप कुंवारे हैं तो शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आज कार्यस्थल पर किसी बात को लेकर थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नौकरी में तरक्की को लेकर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, आध्यात्मिक गुरु या किसी बड़े गुरु की सलाह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए,
कोई परेशानी जो थी वो कम होती हुई दिखाई पड़ रही है, घर परिवार में कोई बड़ा खर्चा नहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आप अपनी इच्छा के अनुसार सभी प्रकार के रिजल्ट पाने में कामयाब रहेंगे। तो ये था आपका राशिफल, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िए और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा लीजिए। अब आज का विशेष है शराब छुड़ाने का क्या उपाय है। अगर कोई भी व्यक्ति शराब कम या ज्यादा पीता है तो उसको छोड़ना चाहता है या कोई छुड़वाना चाहता है तो क्या उपाय करे। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से आपको ये काम शुरू करना है। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से जामुन के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध डालकर उसको वहां पर चढ़ाना है और लगातार 3 शनिवार तक ये आपको करना होगा। थोड़ा सा दूध जो है आप उसकी जड़ में चढ़ाएंगे और शनिवार वाले दिन आप कर सकते हैं और आपकी देखेंगे शीघ्र से शीघ्र आपकी लॉटरी निकल जाएगी, आपका जो भी प्रोसीजर है वो पूरा हो जाएगा। तो शराब छुड़ाने का ये बहुत अच्छा उपाय मैंने आपको बताया, इस उपाय से आप कई लोगों का भला कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।